ऐसा ही पालते ने इस तू अलावा कि नस्ल जी और थोड़े सामने है ठीक है यानी कि एक किरी जगह तो लेके आए हो सारे बाबलपुर आए बाबलपुर तो आए हो सही हो गया है ते हर साल ही लेंदे हो आहो हर साल ले कितनी देर होगी काम करदे हो हो गए 40 साल हो गए माशाल्लाह 40 साल का तजुर्बा की आंदा है कैसा काम है चंगा करने हैं तो अच्छा काम है ठीक है ते ए सारे बड़ी इत्ते बेच हो गए इंशाल्लाह बड़ी इत्ते बेच इंशाल्लाह किन्ने किन्ने दा लेके आए हो तुसी चलो ये है कि मजीद ये है कि अच्छा इनको जो इनके जो हिफाजती टीके वगैरह वो भी लगाए जाते हैं हां वो भी लगाने हैं टीके वैक्सीन जो बोलते हैं तेल देने हैं रोज दूध पियाने हैं सारे काम करने हैं यानी कि सारे मुकम्मल देसी खुराक दी जाती है हां जी हां जी ठीक हो गया तो सर बहुत शुक्रिया जो ना बताने के लिए तो नाज़रीन आपने सुनी लिया कि ये जो ईद के जानवर लेके आए हैं मुकम्मल देसी खुराक इनको दी जाती है किसी भी किस्म की फीड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता दिखाएं जी ये देखें ये चारा दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि मकई भी इसी के अंदर है और जो ज्वार है वो तो साथ में है ही है और मकई के जो ना तो वो भी है तो ये एक बार इन्हें दिखा दें फिर इनके जो ना ऑनर से करते हैं बात और उनसे फिर चल के जो ना जानते हैं तमाम तफसीलात तो आ जाएं जी आपसे कर लेते हैं बात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई क्या नाम है मोहम्मद राशिद 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 भाई कितने बच्चे हैं आपके चौदह तो क्या खिला रहे हैं इनको मकई और साथ ज्वार वंडा वंडे के अंदर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मकई और हिफाजती इकदाम की तरफ भी बात कर लेते हैं कोई इनकी वैक्सीन के मुतल कुछ बता दें नहीं वैक्सीन नहीं है जो बीमार हो जाए डॉक्टर को बुला लेते हैं वैसे हिफाजती कोई वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है वो नहीं आपको मिली नहीं मिली क्या वजह है आपने दरख्वास्त नहीं दी या कि खुद ही या दरख्वास्त देने के बावजूद भी नहीं मिली मैं तो इस इलाके में पहली मरतबा आया हूँ ना पहले नहीं आया मैं पहले नहीं कभी इनका काम किया नहीं किया ठीक है तो यह कि नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भाई ने बताया कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन मुहैया की जाती है जानवरों को लगाने के लिए जो कि सरकारी सतह पर होती है और हर व्यापारी को हर जानवर पालने वाले को ये मिलनी चाहिए उसकी वजह यह है कि लाखों का माल होता है और जो व्यापारी हज़रात हैं वो तो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि जब जानवर बीमार पड़ जाए तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी भी ये अपील है कि जो ये जानवर पालते हैं जो ज़राइत का काम करते हैं उनको खसूसी तौर पर इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़